दृष्टि पीसीएस के पीसीएस इंश्योर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली ताइडे और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे स्वदेश दर्शन स्कीम की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि ये खबरों में क्यों है। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने अपनी स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 के रूप में संशोधित किया है, जिसका उद्देश्य गंतव्यों पर स्थायी और जिम्मेदार बुनियादी ढांचा विकसित करना है। चलिए इस योजना के बारे में जान लेते हैं। स्वदेश दर्शन योजना को वर्ष 2014-15 में लॉन्च किया गया था। यह एक थीम आधारित पर्यटक सर्किट स्कीम है, जिसे पर्यटन के एकीकृत विकास के लिए शुरू किया गया था। यह एक केंद्र क्षेत्र की योजना है। चलिए बात करते हैं स्वदेश दर्शन योजना 2.0 की। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 वोकल फॉर लोकल मंत्र के साथ पर्यटन स्थल के रूप में भारत की पूरी क्षमता को साकार करके आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने से जुड़ी है। यह एक स्थायी स्कीम है जो पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए स्वदेश दर्शन योजना का ही एक भाग है। यह योजना समग्र मिशन को विकसित करने के लिए एक पीढ़ीगत बदलाव है। यह योजना पर्यटन स्थलों के सामान्य और विषय विशिष्ट विकास के लिए बेंचमार्क के विकास को प्रोत्साहित करेगी। योजना के तहत पर्यटन के लिए निम्नलिखित मुख्य विषयों की पहचान की गई है, जिसमें शामिल है संस्कृति और विरासत, साहसिक पर्यटन, पारिस्थितिकी पर्यटन, कल्याण पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, समुद्री तट पर्यटन और परिभ्रमण, महासागर और अंतर्देशीय। चलिए अब इस योजना के उद्देश्यों को देख लेते हैं। स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजनाओं के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय पर्यटन के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, नियोजित और प्राथमिकता के आधार पर पर्यटन क्षमता वाले सर्किट विकसित करना, पहचान किए गए क्षेत्रों में आजीविका उत्पन्न करने के लिए देश के सांस्कृतिक और विरासत मूल्य को बढ़ावा देना, समुदाय आधारित विकास और गरीब समर्थक पर्यटन दृष्टिकोण का पालन करना, आय के बढ़ते स्रोतों, बेहतर जीवन स्तर और क्षेत्र के समग्र विकास के संदर्भ में स्थानीय समुदायों में उनके लिए पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना और पर्यटक सुविधा सेवाओं का विकास करना। चलिए अब इस योजना से जुड़ी अन्य बातों को जान लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत 15 विषयगत पर्यटक सर्किटों को चुना गया है। थीम आधारित पर्यटक सर्किट स्कीम में शामिल हैं बौद्ध सर्किट, तटीय सर्किट, डेजर्ट सर्किट, इको सर्किट, हेरिटेज सर्किट, पूर्वोत्तर सर्किट, हिमालयन सर्किट, सूफी सर्किट, कृष्णा सर्किट, रामायण सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, वन्यजीव सर्किट और जनजातीय सर्किट। चलिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न को देख लेते हैं। स्वदेश दर्शन योजना किस मंत्रालय की पहल है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन बी पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन सी रेल मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब देना कमेंट बॉक्स में ना भूलें। जल्दी मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।